डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था डीफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन के स्केलेटन के अंदर डीफॉर्मिटीज़ कैसे होती हैं, खराबियां क्या होती हैं। और हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था तीन काजेज़, एक हमने डिस्कस किया था जेनेटिक काज, दूसरा हमने डिस्कस किया था हार्मोनल काज, तीसरा हमने डिस्कस किया था अबाउट जो है न्यूट्रिशनल काज। और हमने उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज है उन्हें डिस्कस किया डिटेल के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो उसी को लेकर चलना है, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। लेकिन ये जो डिफॉर्मिटीज़ हमने स्टडी करनी है ये हैं ड्यू टू फिज़िकल ट्रामा। जब फिज़िकल ट्रामा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या क्या होता है, कोई मसला हो जाता है या क्या होता है, जोड़ हिल गया या हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, जब इसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ आती हैं तो हमने आज उनको डिस्कस करना है। उनमें से पहली जो हमारे पास मौजूद है वो है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप इसे हर्नियेशन भी कहते हैं और उर्दू में इसे चुक कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कमर पे क्या हो गया, चुक पड़ गई है, तो चुक जो कंडीशन होती है वो डिस्क स्लिप होती है। असल में डिस्क स्लिप क्या होती है, होता यह है कि कुदरत ने हमारे रखे हुए मोरे, ये हमारे पास वर्टिब्री हैं, 33 हमारे पास वर्टिब्री हैं, तो उन दो वर्टिब्री के दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कुशन के तौर पे काम करता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का काम ये है कि ये शॉक को अब्सॉर्ब करता है। इसके अलावा ये जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर, इन नर्व्स को भी क्या करता है, महफूज करता है। तो ये छोटी छोटी क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद होती हैं ये वैरी रखती हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड जो इसके अंदर भरा होता है उसे नाम देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस का। कि ये फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है इसे न्यूक्लियस पल्पोसिस का नाम देते हैं। और इसके गिर्द जो है वो क्या होता है, कार्टिलेज का रिंग मौजूद होता है जिसे नाम देते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे रिंग होते हैं, इस रिंग के अंदर जो है वो क्या भरा होता है, डिस्क के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हमने न्यूक्लियस पल्पोसिस का नाम दिया। और इसके गिर्द एक रिंग मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं किसका, एनुलस फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। तो ये डिस्क क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, इसे बचाती है, इसको क्या करती है, महफूज रखती है। तो ये डिस्क जब क्या होती है, खिसक जाती है, रप्चर हो जाती है, या इसका जो एनुलस फाइब्रोसिस का रिंग है वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज होता है या क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है, तो नतीजा ये होता है कि इट विल काज सीवियर पेन और हम इसे कहेंगे कि क्या हो गया, चुक पड़ गई या डिस्क स्लिप हो गया। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट पहली बात ये होता है कि क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर पल्पोसिस। जब ये रप्चर होगी तो इसका फ्लूइड क्या होगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। जब वो बाहर की तरफ निकल आएगा तो वो सीवियर किस्म का पेन पैदा करेगा और बोन्स का आपस में जुड़ने की वजह से, यानी कि जुड़ने का काम भी करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट हो सकती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्टिफनेस पैदा हो सकती है। तो ये पहला इफेक्ट इसका ये है। दूसरा ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी नर्व इम्पल्स होती हैं, इसमें शियाटिक नर्व होती हैं। खुदा ना करे कि अगर ये डिस्क स्लिप का जो मैटर है न्यूक्लियस पल्पोसिस से निकल आए और वर्टिब्री आपस में क्या करना शुरू कर दे, कोलैप्स करना शुरू कर दे, तो इट विल काज द डैमेज टू द शियाटिक नर्व, जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो है वो लेग्स की जो फ्लेक्शन है या फ्लेक्सर मूवमेंट है वो डैमेज हो सकती है। तो ये मौजूद होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, ट्रीटमेंट इसकी सिंपल होती है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम इसमें रेस्ट किया जाता है, बेड रेस्ट किया जाता है जो 2-3 हफ्ते तक हो सकता है। इसके अलावा दर्द से बचने के लिए क्या किया जाता है, पेन किलर को यूज़ किया जाता है। और फिर अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही तो आपको मालूम है कि फिर क्या होता है, फिर जो है वो इसको पुल बैक करना पड़ता है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वर्टिब्री हैं, अगर ये डिस्क स्लिप बाहर निकल आए तो उसे फिजिकली क्या करना पड़ेगा, उसे अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा, तो इसे पुल बैक करना पड़ता है। अगर ये नहीं हो रहा इससे भी तो फिर डेफिनेटली क्या करना पड़ता है, उस डिस्क स्लिप को रिमूव करना पड़ता है, उस हर्निएशन या हर्निएटेड डिस्क को क्या करना पड़ता है, उसे वहाँ से सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो डिस्क का खिसक जाना, खिसक जाना, हट जाना, निकल जाना, उसे हर्निएशन डिस्क भी कहते हैं या उसे डिस्क स्लिप कहते हैं और उर्दू में उसे चुक का नाम दिया जाता है। दूसरी कंडीशन जो मौजूद है वो क्या है, वो है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलाइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इमोबिलिटी ऑफ, या हम इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम का अकड़ जाना, यानी कि इसमें क्या, वर्टिब्रल कॉलम अकड़ गया है। क्यों अकड़ गया, क्योंकि वर्टिब्री आपस में लॉक्ड हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम इमोबाइल हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल क्या होंगी, बोन्स की फ्यूजन हो जाएगी। जब ये फ्यूजन हो जाएगी, हम जोर लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली होगा ये कि वो हड्डियाँ क्योंकि अब आपस में चिपक चुकी हैं,
फ्यूज हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से डेजोल्यूशन की कंडीशन होंगे, हड्डियों का ब्रेकिंग होगा या डेजोल्यूशन हो जाएगा और वर्टिब्री का वो हिस्सा डैमेज हो सकता है जो उसके लिए क्या होता है, जो उसके लिए लीथल होता है। फिर इसके बाद एक और कंडीशन आती है, उसे हम नाम देते हैं शेटिका। शेटिका जो है वो क्या होती है, असल में शेटिका जो है एक स्टैबिंग पेन है, एक नर्व होती है जो बॉडी में अराइज होती है। वो नर्व की खासियत ये होती है कि वो बॉडी में क्या होती है, वो अराइज होती है और लोअर लिम्स तक जाती है, यानी कि हिप से, बटक से होती, थाई से होती, ये लोअर लिम तक एक नर्व जाती है। इस नर्व को शियाटिक नर्व कहते हैं। जब ये नर्व डैमेज होती है तो पूरी की पूरी नर्व के अंदर जो है, ये पूरा जो नर्व का रास्ता है उसके अंदर एक स्टैबिंग पेन होता है। स्टैबिंग का मतलब होता है, स्टैब का मतलब होता है कोई चीज़ चुभना, यानी कि कोई चीज़ घोंपना, जैसे कोई चीज़ चुभाई जाती है वैसे चुभने वाला एक दर्द जो है वो क्या होता है, वो पूरी की पूरी नर्व के अंदर महसूस होता है। वो जो दर्द पूरी की पूरी नर्व में महसूस होता है उस स्टैबिंग दर्द को नाम दिया जाता है, किसका, शियाटिक पेन का नाम देता है। और ये कंडीशन जो है ये कहलाती है शियाटिका। असल में शेटिका क्यों कहता है, क्योंकि इस नर्व की वजह से जो है इसे शेटिका का नाम देते हैं। पूरे के पूरे रास्ते में होगा, स्टैबिंग पेन होगा, मसल में भी नहीं होगा, बोन में भी नहीं होगा। अब इसके बाद इसकी जो काज होता है, इसमें पहली बात काज वही मैंने अभी बताया आप लोगों को, डिस्क स्लिप इसमें काज हो सकता है, जिसमें हर्निएशन डिस्क हो जाए या डिस्क स्लिप हो जाए तो वो एक काज हो जाता है। दूसरा आता है इम्प्रॉपर इंजेक्शन। बाद दफ़ा ये होता है जब सिजेरियन किया जाता है फीमेल के, तो उनकी कमर के अंदर जो है वो लगाया जाता है एक इंजेक्शन। जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो बाद दफ़ा अगर वो इंजेक्शन गलत लग गया है तो वो क्या कर सकता है, वो शियाटिक नर्व को डैमेज कर सकता है। अगर वो शियाटिक नर्व को डैमेज कर देगा तो नतीजा ये होगा कि वो पेन भी हो सकता है, और नतीजा ये है कि बाद दफ़ा नीचे वाले हिस्से क्या है, वो पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है इम्प्रॉपर इंजेक्शन ध्यान करना चाहिए, और इम्पेयरमेंट ऑफ जॉइंट, जिसमें जॉइंट हरकत करना छोड़ देंगे, और कम्प्लीटली अगर खुदा ना खास्ता ये डायसेक्ट हो जाए, अगर ये नर्व मुकम्मल तौर पे कट जाए तो उसके कटने से प्रॉब्लम क्या होगा, उसके कटने से प्रॉब्लम क्या होगा कि लेग जो है वो क्या कर सकेंगे, फ्लैक्स नहीं कर पाएंगी, और फ्लैक्स ना होने की वजह से जो एंकल की मूवमेंट है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो क्या है, वो हमारी एड़ियाँ हैं वो भी काम करना छोड़ देंगी, और टांगे फ्लैक्स करना हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको जो है वो एहतियात से इसी करनी चाहिए, ताकि शियाटिक नर्व डैमेज ना हो सके। इसकी ट्रीटमेंट भी क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट ऑपरेशन के जरिए भी इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा इसमें बेड रेस्ट दिया जाता है, और इसका जो रेस्ट होता है, इसकी जो रिकवरी होती है वो बाद दफ़ा 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, कि खुदा ना करे कि कभी जो है वो ऐसी कोई कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ जाए। तो इस दर्द को हम लोग नाम देते हैं शियाटिका या शियाटिक पेन, क्योंकि शियाटिक नर्व की वजह से ऐसा हुआ है, जो हमारी बटक, हमारी हिप्स, हमारी बैकबोन इसमें से मूव करती है। फिर आती है हमारे पास जोड़ों का दर्द, जिसे हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। ये सिंपल होता है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन और डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट, कि जोड़ों का क्या होना, ये हमारे पास बोन मौजूद है, बोन्स के अंदर जो मौजूद होते हैं ये जोड़ क्या होने, ये स्वेल कर दें, इन पर इन्फेक्शन हो जाए, या क्या करें, या आपस में फ्रिक्शन करना शुरू कर दें तो डिग्रेड होना शुरू कर दें, डिजनरेट होना शुरू हो जाए, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये आर्थराइटिस मौजूद है। अब इसके सिम्टम्स वही होते हैं, जो पेन होता है, स्टिफनेस होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जोड़ क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इस बंदे को क्या हो गया, इस बंदे को जो है वो आर्थराइटिस का जो है वो सामना करना पड़ गया है। अब आर्थराइटिस का क्या होती है, टाइप्स होते हैं, काज होते हैं। पहले हमारे पास इसकी दो टाइप है, एक्यूट है, और एक्यूट वो होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसके लिए एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। अगर हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं तो वो 14 दिन के अंदर जो है वो रिकवर कर जाती है। तो ऐसी आर्थराइटिस की कंडीशन जो क्या हो, जो 2 वीक्स 1 वीक 10 डेज के अंदर रिकवर कर जाए, तो उसे हम नाम देते हैं एक्यूट का। लेकिन जो इससे ज़्यादा चली जाए, प्रोलॉन्ग्ड हो जाए और वो रिकवर नहीं कर पा रही, तो हम उसे नाम देते हैं क्रॉनिक का, यानी कि वो दायमी जो है वो आर्थराइटिस की कंडीशन होगी। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास दायमी होती है। अब इसकी दायमी जो होती है, इसकी टाइप्स है, पहला हमारे पास दे रखे उसको नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो जो आर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि ये जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के किनारों पर होता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, ये कार्टिलेज जो है ये घिसना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है फ्लूइड की कमी की वजह से। जब ये घिसना शुरू हो जाए तो हम इसे नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस
ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम इसे नाम देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जोड़ क्या हो रहा है, जोड़ घिसना शुरू हो गया है, रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, जोड़ जो है डीजनरेट होते चले जा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ये कंडीशन, वो आता है रूमाटाइड, ठीक है ना, आर्थराइटिस। रूमाटाइड आर्थराइटिस के वो होता है जो सिनोवियल जॉइंट्स में होता है। हम जानते हैं सिनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं, वो जॉइंट जिनमें फ्लूइड फिल्ड होता है। जब ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो ये फ्लूइड क्या होता है, जोड़ों के दरमियान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ये जोड़ों के दरमियान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो ये स्वेलिंग पैदा करता है, पेन पैदा करता है, तकलीफ पैदा करता है। तो जोड़ों के अंदर हम आमतौर पे कहते हैं पानी भर गया, असल में पानी नहीं भरा बल्कि क्या हो गया, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया। उस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो आर्थराइटिस होती है उसे हम रूमाटॉइड का नाम देते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल पाई जाती है वो होती है गाउटी। गाउटी असल में होती है यूरिक एसिड की वजह से। हम जानते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो क्या होता है, वो बड़ा गोश्त हो गया जैसे कि बीफ हो गया, या जो है वो क्या हो गया, वो लोग जो बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं उनमें यूरिक एसिड का मसला होता रहता है। तो ये यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ता है तो यूरिक एसिड जो है जॉइंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। जब यूरिक एसिड जॉइंट के अंदर इकट्ठा हो जाए और वो जोड़ों का दर्द पैदा कर दे तो फिर उसे गाउटी का नाम दिया जाता है कि ये आर्थराइटिस की वो टाइप है जिसे गाउटी कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो है वो डिस्कस करना था डीफॉर्मिटीज, जो डिस्कस किया वो था डीफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन ड्यू टू ट्रामा। अब ये ट्रामा की वजह से है, रगड़ की वजह से है, बैक्टीरियल की वजह से है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।